बार की बात है, एक जमींदारनी अपने महल में रहती थी। उसी महल के पास गरीब गीता की झोपड़ी थी। जमींदारनी को अपनी महल का अहाता इस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। नंदिनी, हम अपने महल की सीमा को उस झोपड़ी तक बढ़ाना चाहते हैं। तो चलो चल के झोपड़ी की औरत से बात करते हैं। जी मैम साहब, चलिए अभी चलते हैं। पति और पुत्र को खोने के बाद से गीता बड़ी उदास रहती थी। उसे अपने बुलाने के लिए केवल उसकी पोती थी। दादी माँ, आज हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। तुम परेशान मत हो छुटकी, मैं अभी जाके किसान के खेत से कुछ दानों का इंतजाम करती हूँ, तुम यहीं रुको। यह कहकर गीता वहाँ से निकल गई। छुटकी अपनी दादी की प्रतीक्षा कर रही थी क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी। उसी समय जमींदारनी और उसकी सहायक झोपड़ी तक पहुंची। अरे ओ बुढ़िया, कहाँ हो? बाहर आओ, हमें बात करनी है। क्या हुआ? दादी घर पर नहीं है? अच्छा छोटी चिड़िया, एक बार तुम्हारी दादी आ जाए तो उसे ले जाना और इस गंदी झोपड़ी को छोड़ देना। हमारी जमींदारनी ने महल को यहाँ तक बढ़ाने का मन बना लिया है, तो तुम लोग अपनी झोपड़ी जल्द से जल्द हटा लेना यहाँ से। इतना कहकर दोनों वहाँ से निकल गए। इधर चुटकी बेचारी उनकी बात सुन के बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वो भली भांति जानती है कि यह घर उसकी दादी के लिए क्या मायने रखती है। ये वो घर है जहाँ दादी ने अपने पति और इकलौते बेटे को खोया है। चुटकी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब वो अपनी दादी से किस मुंह से बताएंगे, और इतने में उसकी दादी आ जाती है। मुझे माफ़ कर दो चुटकी, मैं तुम्हारे लिए अभी अन्न का दाना नहीं ला पाई। अभी खेत में बहुत सारे किसान थे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में जाके जरूर लेके आऊंगा। नहीं दादी, कोई बात नहीं, मुझे अब ज्यादा भूख नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है छुटकी, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ दादी, आपके जाने के बाद वो महल वाले आए थे। वो लोग कह रहे थे कि हमें ये झोपड़ी खाली करना है, लेकिन वो लोग ऐसा क्यों कह रहे थे दादी? हम लोग कहाँ जाएंगे अपना घर छोड़ के? ये हमारा घर है, वो हमें ऐसे कैसे कह सकते हैं? छोटा हुआ तो क्या हुआ, घर तो घर होता है ना दादी? हाँ छुटकी, एक घर का उसके आकार से कोई लेना देना नहीं होता। घर ईंट या लकड़ी से नहीं बल्कि परिवार के बंधन से बनता है। घर एक ऐसी जगह है जो एक व्यक्ति को अनगिनत यादों और पारिवारिक मूल्यों की याद दिलाती है। घर एक भावना है जो अपने आकार के साथ भिन्न नहीं होता, लेकिन यह आपके दिल से जुड़ा होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। घर घर ही होता है। इधर जमींदारनी के घर में। तो नंदिनी, कल तुम एक बार फिर झोपड़ी में जाओ और बूढ़ी औरत और उसके बच्चे को 2 दिन के भीतर झोपड़ी खाली करने के लिए याद दिलाओ। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जी मैम साहब, मैं कल ही जाके उनको याद दिलाती हूँ, आप फिक्र मत करो, आप अभी जाके सो जाओ। ठीक है नंदिनी, शुभ रात्रि। अगले दिन सुबह हुई। चुटकी बेटा, चलो उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है, इतना देर तक नहीं सोते, चलो आओ अभी। हाँ दादी, मैं उठ गई हूँ। इतने में वहाँ नंदिनी पहुँच जाती है। ए बुढ़िया, अपना बुढ़िया बिस्तर बांधो और हमारे पहुँचने से पहले कल 12 बजे तक यहाँ से निकलो, नहीं तो हम आके तुम दोनों को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। तुम हमारे जमींदारनी को जानती नहीं हो। इतना कह के वो वहाँ से उड़ गया। उसके जाते ही छुटकी बेचारी फूट फूट के रोने लगी। दादी, अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे दादी, अपने घर को छोड़ के? मुझे यहाँ से नहीं जाना, मेरे पापा और दादाजी यहीं पे रह के हमें देखते रहते थे। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे, पापा और दादू तो यहीं रह जाएंगे ना दादी? चुटकी बेटा, मैं तुम्हें रोने से मना नहीं करूँगी, तुम थोड़ा रो के मन हल्का कर लो, लेकिन मन छोटा मत करो बेटा। जिंदगी में कभी कभी हमें हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। कभी कभी चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं जाती है,
लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि जो कुछ भी होता है वो किसी कारण से होता है। हमारे जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियाँ भेस बदल कर आशीर्वाद के रूप में आते हैं, इसीलिए भगवान पर भरोसा रखो बेटा। रहा सवाल तुम्हारे पापा और दादाजी के, वो तो हमारे दिल में है ना चुटकी, उन्हें कभी कोई हमसे अलग नहीं कर सकता है। उनका प्यार, उनकी यादें हमारी दिल में कैद है, उन्हें कभी कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारा इस घर से जाना लिखा है तो वो तो हमें जाना ही होगा बेटा। होने को कोई नहीं टाल सकता है चुटकी, जो होना है वो होगा ही, चाहे हम जितना रो ले, जितना मन खराब कर ले, वो होके ही रहेगा। दादी की बात सुन के चुटकी थोड़ा संभल गई। उसे थोड़ा बहुत एहसास हो गया था कि रो के या मन खराब करके वो चीजों को बदल नहीं सकती है। ठीक है दादी, मैं किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हुआ, मैं रोऊंगी नहीं और मजबूत रहने की कोशिश करूंगी और आपके लिए एक स्तंभ के रूप में खड़ी रहूंगी दादी। वो दिन ऐसे ही निकल गया और आखिरकार वो मजबूरी भरा दिन आ ही गया। न जाने क्यों उस दिन मौसम भी बड़ा दुखी सा हो गया। अचानक अंधेरा और बादल छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि बादल दिल पर भारी थे और कभी भी आंसू बहाने के लिए तैयार थे। क्या आसमान और बादल भी दुखी थे गीता और चुटकी के लिए? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लगता है मौसम खराब होने वाली है। चलो अच्छा है, बारिश हो जाए तो आज का दिन शायद जमींदारनी और उसकी सहायक मान जाए और हमें एक और दिन यहाँ रुकने की इजाज़त दे। चुटकी जाने कहाँ चली गई सुबह सुबह? अरे दादी, आप मुझे ढूंढ रहे थे और देखो मैं आ गई। अरे चुटकी बेटा, तुम कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ, रोज तो मुझे तुम्हें जगाना पड़ता है। हाँ दादी, मुझे माफ कर दो कि मैं बिना बताए चली गई। दरअसल मैं हमारे खाने के लिए ताज़ा चावल के दाने लाने गई थी। अब से आपको हमारे खाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है दादी, ये सब जिम्मेदारी अब से मैं उठाऊंगी। और जैसे कि कल आपने मुझे बताया था कि हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए दादी मैं हमारे रहने का इंतज़ाम भी करके आई हूँ। अगर हमें आज यहाँ से जाना भी पड़ता है तो आप फिक्र मत करो दादी, मैं आपको एक सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगी। अरे वाह चुटकी, लगता है मेरे कल के बातों का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है तुम पे। मुझे तुम पे गर्व है चुटकी, और सच में ये चावल के दाने तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। इतने में जमींदारनी और सहायक वहाँ पहुँच जाती है। अरे ओ बुढ़िया, चलो झोपड़ी खाली करो अभी, बोला था ना हमारे आने से पहले खाली हो जाना चाहिए। अब हम तुमको धक्के मार के बाहर निकाले, उससे पहले तुम निकलो यहाँ से अपने बच्चे को लेके। इतने में बारिश भी शुरू हो गई। मैम साहब, कृपया हमें आज यहाँ रहने की अनुमति दे। आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत खराब है, ऐसे में मैं अपनी नन्ही पोती को लेकर कहाँ जाऊँगी। कृपया हमारी स्थिति को समझे और हमें यहाँ रहने दे। कल सुबह प्रातःकाल हम यहाँ से निकल जाएंगे। दया कीजिए मैम साहब। हमने कई बार दया करके तुम लोगों को चेतावनी दे चुके हैं। आज तुम लोगों की जाने की यहाँ अंतिम दिन है और तुम लोग यहाँ एक दिन और मांग रहे हो। इससे पहले कि हम जबरदस्ती के उतर आए, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। बस करो दादी, अब और दिन की दरखास्त करने की जरूरत नहीं है। जाने दो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हम सुरक्षित रहेंगे दादी। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, मैंने पहले से ही हमारे लिए एक आश्रय ढूंढ लिया है दादी। चलो हम वहाँ चलते हैं अभी। अरे बुढ़िया की पोती तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी आई आश्रय ढूंढ लिया है। अरे बुढ़िया, आपने पोती से कुछ सीख। चलो चलो, तुम लोगों की बड़ी बड़ी बातें हो गई है तो निकलो अब यहाँ से। चल बुढ़िया, तेरी पोती ने कहीं महल बना के रखा है तेरे लिए, निकल यहाँ से अब। चुटकी और उसकी बेचारी दादी क्या करेगी अब, कहाँ जाएंगी वो? क्या वे इस खराब मौसम में बचे रह पाएंगे? क्या उन्हें अपने लिए सुरक्षित आश्रय मिल पाएगा? चुटकी ने अपनी दादी के लिए क्या इंतजाम किया है? क्या इन दुष्टों को कभी अपनी गलतियों का एहसास होगा? सारे सवालों का जवाब पाने के लिए हमारे कहानी के अगले भाग का इंतज़ार ज़रूर करना। नमस्कार।